आज मैं जिस भी दरवाजे के अंदर जाऊंगा वहाँ से मुझे बहुत सारे डायमंड मिलेंगे, लेकिन मेरे पास अभी एक भी डायमंड नहीं है। लेकिन मेरा दोस्त राहुल, उसके पास बहुत सारा डायमंड है। अरे मार क्यों रहा है? और यहाँ तक कि इसके पास एक कार भी है। अबे क्या कर रहा है, कुचल क्यों रहा है मुझे तू? अबे यार इसने पिचका दिया मुझे, इसका कोई लाइसेंस छीनो। लेकिन वो जो डायमंड है उससे मैं बहुत सारी न्यू चीजें ले सकता हूँ, जिसमें मुझे एक सीक्रेट कार, एक जायंट सॉर्ड, तेज भागने वाले जूते, एक जादुई फ्लावर और एक रिंग मिल सकता है। और आखिरी में मुझे मिलने वाली एकदम सीक्रेट चीज। अबे चल यहाँ से निकल, भिखारी लोग अंदर नहीं आ सकते, निकल निकल यहाँ से। तो ये रहे वो दरवाजे, और ये दरवाजों के अंदर बहुत सारे डायमंड मिलेंगे। तो एक काम करते, मुझे पता है बड़े दरवाजे में जा नहीं पाऊंगा मैं, तो चलते इस दरवाजे के अंदर। तो इसको खोल लेता और चलते इसके अंदर। और एक मिनट, फाइंड द ट्रेजर चेस्ट। और ये कौन सी दुनिया है? अरे विलेजर कौन है? और भाई तू क्या कर रहा है इधर? अबे तेरे से मतलब, मैं इस दरवाजे का सिपाही हूँ और मैं तेरी मदद करने के लिए यहाँ पे हूँ। गाइस ये कहना क्या चाहता है, डोर का सिपाही? ये क्या होता है? मुझे लगता है पागल वागल है भाई तू। वो सब तो ठीक है, तो मेरी हेल्प क्या कर सकता है? अरे थोड़ा सा पागल है क्या? डायमंड ढूंढने आएगा तो डायमंड ढूंढने में मदद करूंगा ना। तो डायमंड ढूंढने के लिए तेरे को कुछ सामान दूंगा मैं। डायमंड ढूंढने के लिए ठीक है, दे दे भाई। अब मैं समझा, इसने मुझे ओर डिटेक्टर दिया है और मुझे एक चेस्ट ढूंढना है। लेकिन ओर और चेस्ट को समझा नहीं मुझे, कैसा हेल्पर है भाई तू? चलो ठीक है, कुछ ना कुछ ट्राई करना पड़ेगा मुझे। तो गाइस इसने मुझे मैप भी दिया है। ओके मैप पे एक एक्स बना हुआ है, मुझे लगता है वहीं पर जाना जल्दी से। तो जल्दी वहाँ पर चलते हैं। तो ये देखो गाइस, ये रहा बड़ा सा एक्स, गोरा एक्स। इसको खोदते पहले। और अरे अभी तू मार क्यों रहा है? अभी तू यहाँ पर कैसे आ गया? अरे मेरे से ज्यादा स्पीड यहाँ पे कोई भी नहीं भाग सकता है। यार ये राहुल को ना अपने ऊपर बहुत ज्यादा घमंड आ रहा है, क्योंकि इसके पास में बहुत सारे डायमंड थे और इसने खरीद लिया है खतरनाक आइटम्स। और इसको लगता है इससे तेज कोई नहीं है, तो इसको मैं अमीर बन के बताऊंगा। वो सब छोड़ो यार, मैं अपने काम पे फोकस करता हूँ। और ये जो एक्स है यहाँ पर खोदना चालू करता हूँ मैं। ओके तो ये रहा चेस्ट, इसको खोलते हैं। और ये देखो डायमंड, क्या बात है, 10 डायमंड मिल गए मुझे। मुझे 10 डायमंड तो मिल गए, लेकिन बाहर कैसे जाऊँ? और एक मिनट, ये क्या था? ओके निकल गया बाहर में, क्या बात है। और मैं यहाँ पर कैसे आ गया? मतलब कि जब मैं मिशन कंप्लीट करूंगा यहाँ पर आ जाऊंगा अपने आप? यार सही सिस्टम है इन लोगों का। तो चलो मैं यहाँ पर आ गया हूँ। तो ये रहा विलेजर, और ये देख विलेजर बहुत सारे डायमंड ला लिया मैंने, क्या देगा मुझे तू? ठीक है ठीक है, ला मेरे को डायमंड दे फटाफट, फिर मैं तेरे को मस्त चीज देता हूँ। ये ले, मैं तुझे 10 डायमंड देता हूँ। ये ले फ्लावर, इस फ्लावर से तेरे को पावर मिलेगी। फ्लावर से पावर मिलेगी, मतलब ये क्या है? इसकी एबिलिटीज दो दो है, स्वॉर्म 20 विद इन अ रेडियस ऑफ 16। ये क्या है ये सब? और दूसरा वाला एबिलिटी तो बहुत ज्यादा खतरनाक लग रहा है मुझे, कुछ तो 16 ब्लॉक के रेडियस पर रहना मुझे। चलो ट्राई करते इसको। तो एक काम करते, इसे कुछ ना कुछ तो होता होगा। तो ये इसको क्या करूँ, राइट क्लिक करता हूँ। और एक मिनट, मेरे सर के ऊपर आ गया, ये तो गजब है यार। मुझे कुछ तो अलग महसूस हो रहा है, कुछ तो होने वाला शायद। राहुल ये देख क्या आ चुका है मेरे पास में। अब ये देख मेरे पे फूल है, ये देख मैं अभी क्या बन जाऊंगा। अरे भाई ये क्या है भाई, यार पूरा का पूरा जोकर दिख रहा है। वैसे जोकर लग तो रहा हूँ, लेकिन तुझे मजाक लग रहा है सब? अरे जो भी है, लेकिन तू यहाँ पे दिख तो रहा है पूरा कार्टून। तुझे पता भी है फूल से क्या होता है? मैं अगर तुझे यहाँ पर एक फाइट मारूंगा ना, ये ले सारी 20 तेरे पीछे पड़ जाएगी। अरे भाई ये क्या कर दिया, और यहाँ पे इतनी 20 क्यों है? अब बोलना, देख क्या चुन चुन के मारे तुझे 20। और मैं नहीं डरता हूँ इनसे, और रुक क्या मारता हूँ मैं लोग को अपनी शॉट से। अरे यार ये तो अपने शॉट से मेरे पूरे 20 खत्म कर देगा। और देख इनको अपनी लंबी शॉट से खत्म कर दिया मैंने, और अभी तेको मारूंगा और तेको क्या लगा, और तू आएगा और बस मुझे मार के यहाँ से भाग जाएगा। अरे काम कर, भाग जाओ अभी यहाँ से कार्टून कही के। अरे यार क्या करूँ अब मैं, इसके पास बहुत ज्यादा पावर है, मैं बच के भागू अभी। और मेरे पास फ्लावर आ चुका है, लेकिन इससे कुछ नहीं होने वाला है, बहुत कमजोर हूँ मैं अभी भी, क्योंकि राहुल के पास में बूट से लेके शॉर्ट सब कुछ है, और कार से तो कुचल दिया था उसने मुझे। एक काम करते, दरवाजे की हेल्प लेते हैं। और ये रहा हमारा नेक्स्ट दरवाजा, और एक गोल्ड का दरवाजा है। और जाओ कैसे अंदर? और एक गेट कितना खतरनाक है, मुझे लगता है जो लेवर है ना इसको तोड़ दो पहले मैं, और इसको लगा देते गोल्ड वाले में। ओके डोर खुल गया, क्या बात है, अब शायद मुझे इसके अंदर जाना है। और ओके पहुंच गया मैं, और कहीं तो आया हूं मैं, और कुछ तो खतरनाक जगह है ये, समझ भी नहीं आ रहा मुझे। और ये विलेजर, अबे तू कौन है भाई, तू तेरे में सुपर पावर वगैरह है कुछ? अबे तू थोड़ी सी आधी बुद्धि का है क्या? तेरे को पहले ही बोला था ना तेरी हेल्प करने के लिए आऊंगा, तो सामान देने आया हूं तेरे को। ओ ये क्या दे रहा है मुझे, सिक्योरिटी कैमरा और कैमरा मॉनिटर, लेकिन क्यों भाई? वो तो तेरे को खुद ही पता करना पड़ेगा भाई। ठीक है पता कर लूंगा मैं। और ये बैंक, बैंक की पुलिस ऑफिसर। ओके टास्क है मेरा नया, हेल्प दी पुलिस। जल्दी पुलिस की हेल्प करके निकलता हूं यहां से डायमंड लेकर। अरे क्या हुआ ऑफिसर, बैंक में कोई गड़बड़ हो गई क्या आज? हाँ भाई आज एक बहुत बड़ी चोरी हो गई बैंक के अंदर। बहुत बड़ी चोरी हुई मतलब? हाँ आज बैंक के अंदर 6000 एमरल्ड की चोरी हो गई। अबे तुम लोगों के पास कोई प्रूफ वगैरह है उसका? नहीं प्रूफ तो कुछ भी नहीं है, लेकिन हमारे पास उसका एक फोटो है, और उसकी वजह से हम उसको पकड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो मैं समझ गया, मुझे इनकी हेल्प करनी पड़ेगी। डायमंड्स के लिए क्या कुछ नहीं करना पड़ता यार, आपकी हेल्प तो मैं कर दूंगा, लेकिन क्या आप मुझे उसकी फोटो दिखा सकते हो? हाँ क्यों नहीं, कुछ ऐसा दिखता है वो चोर। तो यार मैं अपने वाले विलेज में आ चुका हूँ, लेकिन एक गुड़गुड़ की आवाज क्या आ रही है? अरे पुलिस ऑफिसर, अबे अबे क्या कर रहा है साले, हटने तो दे शांति से। यार पुलिस वाले को फालतू में डिस्टर्ब कर दिया मैंने, पता नहीं यार निकल तो जा जल्दी। अब मैं समझा, पुलिस वाले ने मुझे टास्क दिया और वो आराम कर रहा है। चलो कोई बात नहीं, ये भी सही है। तो एक काम करता हूं, मैं हर घर पे सिक्योरिटी कैमरा लगाता हूं, क्योंकि रॉबर को रंगे हाथों पकड़ना है मुझे। तो पहले यहां पर एक कैमरा लगा देता हूं मैं, ओके परफेक्ट। और एक कैमरा लगा देता हूं चर्च पे, और थर्ड कैमरा यहां पर लगा देता हूं, और लास्ट कैमरा रहा उस वाले घर पे। तो एक काम करते, चर्च के अंदर बैठ जाता हूं आराम से मैं। पहले कैमरे में तो सब कुछ क्लियर दिख रहा है मुझे, दूसरा कैमरा भी ठीक है बिल्कुल, और तीसरे कैमरे में भी कोई भी हलचल नहीं है। और ये रहा फोर्थ कैमरा, और एक मिनट ये रहा रॉबर, ओ वो रहा चोर, अबे आतंकवादी है। तो ये वाले घर पे क्यों गया, वो पकड़ा गया यार, घर पे जाना पड़ेगा मुझे। तो आराम से यहाँ पर रेंग कर देखता हूँ उसको, रॉबर को रंगे हाथों पकड़ना है मुझे। मेरे पास इन्वेंटरी में केज ट्रैप है, तो चारों केज को मैंने यहाँ पर लगा दिया हूँ। तो एक काम करता हूँ, पहले दरवाजा खोलता हूँ मैं, और रॉबर बेटा बाहर निकल।
तू मुझे नहीं पकड़ पाएगा, मैं भाग जाऊंगा साले। अरे पागल समझा तूने मुझे, ऐसे कैसे भागेगा तू? क्या पकड़ा उसको मैंने गंदे तरीके से। और फाइनली अपना मिशन कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, क्योंकि इसको पुलिस वाले को सौंपना भी तो है मुझे। अरे ऑफिसर मैंने पकड़ लिया उस चोर को। अच्छा तो मुझे उसके पास ले चलो जल्दी। चलो सर जल्दी चलो, वो भाग सकता है फिर से, मेरे पीछे आओ। ओके तो ये रहा वो रॉबर, रंगे हाथ पकड़ लिया मैंने। अरे सर मुझे इनाम वगैरह मिल जाता तो अच्छा होता यार। अच्छा तो तुझे इनाम चाहिए। अरे सर बंदूक क्यों निकाल रहे हो? अरे अरे पागल वागल हो क्या? अरे सर बंदूक थोड़ी ना, इनाम दो यार। एक काम हो रहने दो। अरे अरे मजाक कर रहा हूँ यार, ये ले। ओके तो गाइस मुझे 25 डायमंड मिल गए, क्या बात है, डायमंड कमाना इतना आसान हो चुका है। तो चलते हो स्टोर पर। और विलेजर क्या हाल है, मैं लेकर आ चुका हूँ 25 डायमंड और। ये ले पूरे 25 डायमंड, और कुछ बढ़िया सा दे मुझे। ये ले तो 25 डायमंड में ये वाली कार ले जा। भाई ये कार ले लूँ पक्का मैं? क्या बात है 25 डायमंड में कार मिल गई, बड़ा ही अच्छा विलेजर है। मुझे तो पता नहीं कि चोरी का माल लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, चलो ये कार लेकर चलता हूँ मैं। क्या बात है, और कार से ज्यादा तो थार दिख रही है मुझे ये। अभी कार से तो पूरा तहलका मचाने वाला हूँ मैं। कार चलाने में मजा तो आ गया, लेकिन मुझे कुछ खतरनाक आइटम नहीं मिला है। तो एक काम करते थर्ड डोर के अंदर चलते हैं। और एक मिनट, डायमंड डोर में दरवाजा क्यों नहीं है? और एक मिनट, ओह ये इनविजिबल था और अंदर आ गया मैं। और ये कहाँ पर आ गया, ये कौन सी जगह है? पार्कोर वगैरह बना हुआ है, और वो विलेजर का बच्चा, सेव द किड विलेजर। ओके तो गाइस मैं समझ चुका हूँ, थर्ड डोर में हमें विलेजर के बच्चे को बचाना है। तो एक काम करते आराम से पार्कोर करते चलता हूँ मैं, और कुछ ज्यादा इजी नहीं है मेरे लिए, तो आराम से जंप करके चलते हैं। और ये रहा फाइनल जंप, फाइनल जंप करके पहुंच गया मैं बच्चे के पास। बच्चे तुझे बचाने के लिए आ चुका हूँ मैं, चलो उसको पकड़ लिया मैंने, चलो उसको पकड़ लेते हैं और लेके भागते उसको पहले मैं। और क्या बात है ओवरवर्ल्ड में पहुंच गया मैं। तो एक काम करते हैं बच्चे को दुकान के सामने छोड़ देता हूँ मैं। ये ले, ये तुम्हारे विलेजर बच्चे को बचा के ला लिया मैंने, पता नहीं किसको अच्छा है, वैसे भी एक जैसे सब लोग। अरे ये तो मेरा भतीजा है, कहाँ पे मिला तेरे को ये? अरे पागल पता नहीं कहाँ फंस गया था, बहुत दूर से बचा के लाया उसको मैं। लेता। और क्या बात है, यहाँ पर तो अपना काम हो गया बिना डायमंड के, और कोई तो इनाम दिया इसने मुझे। और ये कोई रिंग लग रही है मुझे, और ये क्या एंजल रिंग। और एक मिनट ये रिंग मुझे उड़ाने वाली है शायद। एक मिनट क्या मैं सर्वाइवल में उड़ सकता हूँ? इसको पहन लिया मैंने, और उड़ूंगा कैसे? एक मिनट ये कैसी सड़ी सी रिंग है? अरे सॉरी सॉरी ये बोतल मारना था, मैं भूल गया, रुको रुको। बोतल मारना पड़ेगा तो बहुत सारे मार यार। और सही में उड़ने चालू कर दिया मैं, क्या बात है। और उड़ रहा हूँ मैं, भाग रहा हूँ हवा में, इसको कहते हैं ना कोई सुपर पावर। उड़ते उड़ते मैं थक गया हूँ, लेकिन अभी भी मैं पावरफुल नहीं बना हूँ। तो एक काम करते बंकर वाले दरवाजे में चलते हैं, कुछ तो खतरनाक खेल लग रहा है मुझे इसमें। तो एक काम करते इस दरवाजे को हाथ से खोलने का ट्राई करता हूँ, क्या बात है। और अंदर आ गया हूँ मैं, और ये क्या सेव द विलेजर। यार पता नहीं विलेजर को क्यों बचाना पड़ रहा है मुझे, और तलवार भी मिल गई मुझे। अरे विलेज में ज़ॉम्बी का अटैक क्यों हो रहा है? लगता है विलेजर को सच में बचाना पड़ेगा मुझे, वो भी सबके सबको। अरे भाई बचाओ बचाओ, अरे भाई देश भाई बचाओ हमको। अरे तो मुझे क्यों बोल रहा है, गोलम को बोल यार। अभी इतने सारे ज़ॉम्बीज, रुको कुत्ते की मौत मारता हूं इन लोगों को, ये लो ये लो। तो फाइनली मैंने सारे ज़ॉम्बीज को मार दिया हूं, लेकिन ये बात बताओ ज़ॉम्बीज ये विलेज पे अटैक क्यों कर रहे हैं? पता नहीं भाई, ये रोज रोज रात को आ जाते हैं और हमको परेशान करते हैं यार। अरे कोई नहीं, इस बार मैंने तुझे बचा लिया तो मुझे मोटा इनाम चाहिए। क्या बात है, ये सड़े से विलेज को बचाने के बाद 32 डायमंड, विलेजर के पास डायमंड भी होते आज मालूम चला। और विलेजर ये ले 32 डायमंड, कुछ अच्छा दे मुझे। ओके ओके देता हूँ। ओ इसने मुझे जूते दे दिया, वो भी एयर जॉर्डन 69। आउट रनर, इसकी एबिलिटी भी है और इसके स्टैट्स भी है, बाप रे। और ये शूज को पहनने के बाद में 5% मूवमेंट स्पीड मिलेगी पर सेकंड। ये पहन के देखता हूँ पहले मैं, और पहनने का मालूम चलेगा। ओ मैं धीरे धीरे स्पीड हो रहा हूँ, और अरे ये क्या हुआ, मैं नॉर्मल इंसान से उसेन बोल्ट बन गया और उसेन बोल्ट से चीता बन गया हूँ। मतलब अगर कॉन्स्टेंट भागूंगा तो बहुत स्पीड हो जाऊंगा मैं। तो अब मैं अच्छा खासा पावरफुल बन चुका हूँ, उस राहुल को पकड़ते पहले। ओके तो राहुल घर के पास आ गया हूँ मैं, और अरे क्या हालचाल है तेरे कमजोर आदमी, और मैं भी तेरी तरह पावरफुल हो चुका हूँ। अच्छा बेटा बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया ना तू, रुक अभी मैं देखो दिखाता हूँ असली पावर। देख क्या तू यहाँ पे ऐसे फ्लाई कर सकता है? ये देख उड़ सकता हूँ मैं। अरे ठीक है यहाँ पे फ्लाई तो कोई भी कर सकता है, और ये तो मैं अपने बचपन में करता था। और क्या अभी तू यहाँ पे मेरी तरह भाग सकता है स्पीड में? ये देख यहाँ पे बन चुका मैं फ्लैश, क्या भाग रहा हूँ स्पीड में। और तुझे क्या लगा मैं भाग नहीं सकता हूँ? अब मैं जूते पहनता हूँ पहले, और मेरे पास सेम तेरे जैसे जूते है, तेरा डुप्लीकेट और मेरा ओरिजिनल। और अभी इस डैश के बच्चे का बहुत हुआ, और इसको बता तो अभी ये ले। अरे तलवार कौन सी, मजाक कर रहा था मैं यार, सच में कुछ ज्यादा ही पावरफुल हूं मुझसे, कुछ ना कुछ तो जुगाड़ करना पड़ेगा, आर्मर भी नहीं है मेरे पास। एक काम करते हैं हम सेकंड लास्ट डोर पे चलते हैं, और पता नहीं क्यों नेदर का डोर लग रहा है, और कुछ तो खतरनाक होगा जरूर। और लंबा सा दरवाजा इसको खोलते हैं और चलते हैं अंदर। ओके ये क्या है, फिर से विलेजर यार परेशान कर दिए, और ये पागल क्यों हो रहा है? अरे भाई बचाओ बचाओ, भाई यार बचा ले मेरे को, यहाँ पे बॉम्ब लगा दिया है किसी ने। बॉम्ब लगा दिया, ये क्या बात हुई, कोई भाई जान आ जाएगा इधर? अरे भाई कुछ ऐसा ही समझ लो, बस तुम बचा लो यार जल्दी से, बहुत कम टाइम है हमारे पास। भाई तुम्हारे पास बहुत कम टाइम है, बचाना पड़ेगा, रुक जाओ। डिफ्यूज ऑल द 3 बॉम्ब, 3 बॉम्ब है इधर। ओके पहला बॉम्ब मिल चुका है मुझे, और ये विलेजर क्या कर रहा है, मर रहा है तुझे, और इसको डिफ्यूज करना है। और ओके ये तो डिफ्यूज हो गया, तो ये मशीन तोड़ना पड़ेगा मुझे, डिफ्यूज हो गया। और 2 बॉम्ब कहाँ पर है, और देखना पड़ेगा मुझे यार। अरे ओके यहाँ पर नीचे आने का रास्ता है। ओके यहाँ पर एक और बॉम्ब है, इसको भी तोड़ते पहले। ओके ये भी टूट गया, अब लास्ट बॉम्ब बचा है, कहाँ पर होगा लास्ट बॉम्ब? और लिफ्ट से आवाज आ रही है मुझे टिक टिक की, ये टूटेगा कैसे? लेकिन अरे इसका बटन है, ये लो।
बटन है मतलब दे जल्दी लॉकर के लिए बटन। चलो कोई नहीं खोलता उसको मैं। और ये रहा बॉम्ब। ओके ये भी डिफ्यूज हो गया, क्या बात है। लेकिन वो सब ठीक है, मैं तो फंस गया यहाँ पर। यार विलेजर ने धोखा दिया, निकलूंगा कैसे मैं। अभी विलेजर खोल। ओके खोल दिया भाई, क्या बात है। विलेजर देख मैं तेरे बैंक को बचा लिया। अरे शुक्रिया भाई शुक्रिया, तुमने हमारे बैंक को बचा लिया। अभी मैं तुम्हारे को इस खुशी में एक इनाम देता हूँ, ये लो पूरे एक स्टैक डायमंड। एक स्टैक डायमंड भाई, सच में बैंकर निकला तू खतरनाक वाला। और तू पक्का SBI का बैंकर नहीं होगा। क्या बात है, धीरे धीरे मैं भी अमीर हो रहा हूँ। और 64 बहुत ज्यादा होता है। और विलेजर मुझे कुछ अच्छा चाहिए, ये लो 64 डायमंड। अब मुझे चाहिए तलवार। अरे भाई ये 64 डायमंड के नहीं है, इसके लिए और डायमंड लगेंगे। अभी मैं सिर्फ तेरे को एक सोने की मुर्गी दे सकता हूँ। ये क्या है, सोने की मुर्गी? अबे डायमंड की मुर्गी है पागल। ओके पकड़ लिया मैंने सोने की मुर्गी को, अब तो मुझे डायमंड की भी जरूरत नहीं है। पागल होते हैं विलेजर सच में। ओके घर के अंदर चलते हैं। और ये रही मेरी सोने की मुर्गी, इसको प्लेस करता हूं यहाँ पर मैं। और दरवाजा बंद करते हैं। और एक काम करते हैं, थोड़ा घूम घूम के आते हैं यार, बहुत काम कर लिया मैंने। और डायमंड ही डायमंड होने वाले अब तो मेरे पास। चलो अंदर चलते हैं। और ये क्या, ओके डायमंड की मुर्गी ने डायमंड दिए बहुत सारे। कलेक्ट करो इतने सारे डायमंड को, 64 डायमंड की अब बात है। ऐसे थोड़ा बहुत घूम के आता हूं मैं और एक स्टैक डायमंड और मिल जाएंगे मुझे। तो एक काम करते हैं, मेरे पास टाइम ही टाइम है, तो लास्ट दरवाजे में चलते हैं पहले। बहुत ज्यादा खतरनाक दरवाजा है, स्वर का दरवाजा लग रहा है मुझे ये। ओके क्या खतरनाक खुला है। और अंदर आ गया। ओ और ये क्या, राहुल क्या कर रहा है इधर? अरे पैसे का है, पैसे निकाल जल्दी से। मेरे पास नहीं है पैसे। अबे क्या कर रहा है तू, विलेजर क्यों पकड़ रहा है, भाग ऐसे। अरे क्या तू यहाँ पे अपने आप को बहुत ज्यादा 30 बार खान मान रहा है क्या? रुक मैं आऊंगा फिर से। अबे क्या हुआ, क्या हुआ, तुझे क्यों परेशान कर रहा है वो? अरे वो राहुल का बच्चा मेरे को रोज रोज परेशान करने आ जाता है, मेरे से पैसे मांगने आता है। तुम मेरी मदद करो ना, मेरे को बचा लो यार। ओके टास्क मिल चुका है मुझे, सेव द रिच मैन। ओके रिच मैन है वो, दिख भी रहा है सही में, मोटी चेन मोटा पैसा इसके पास। तो एक काम करते हैं, ये रिच मैन को बचाने के लिए इसका घर सेव करते हैं पहले। राहुल इसे घर के अंदर नहीं आ पाएगा तो मारेगा कैसे? मेरे पास इन्वेंटरी बहुत सारा सामान है जो मैंने ब्लैक मार्केट से खरीदा था, तो सेंट्री को प्लेस कर देता हूं और लेजर को भी प्लेस कर देता हूं मैं। ओके राहुल पीछे से आ भी गया, क्या टाइमिंग है इसकी। एक काम करता हूं मैं निकलता हूं और देखते क्या होता है इसके साथ। और ये देखो सेंट्री क्या गंदी मौत मार रहे हैं उसको, सेंट्री के आगे कोई टिक सकता है क्या? अभी राहुल कभी भी आ नहीं पाएगा इतने अच्छे आर्मर के साथ भी। देख अमीर विलेजर मैंने तुझे बचा लिया। देखा ना, एकदम अच्छे से देखा भाई, मैं तुमसे बहुत ज्यादा खुश हूँ। तो तुम लो ये 2 स्टैक डायमंड रखोगे पास, ये लो भाई एकदम 2 स्टैक डायमंड। भाई 2 स्टैक डायमंड, ये सच में अमीर आदमी निकला यार, बहुत ज्यादा अमीर है। ओके तो टास्क मेरा कंप्लीट हो चुका है, वापिस आ गया हूँ मैं। और ये रहा विलेजर, एक काम कर दो 3 स्टैक डायमंड पकड़, अब तो मुझे शॉट चाहिए चाहिए। अरे वाह 3 स्ट्राइक डायमंड, रुको रुको देता हूँ तुम्हारी शॉट। ओ भाई साहब कितनी बड़ी शॉट है, बाप रे भाई ये तो खतरनाक खेल है। और विलेजर तू कहाँ से आ रहा है भाग भाग के? अरे भाई वो राहुल का बच्चा पागल हो चुका है भाई, उसने पूरे गांव के एमरल्ड्स एक शल्कर बॉक्स में रख दिए हैं और हमारे से ले लिए हैं भाई, उसे कोई बचा लो, हमको बचा लो प्लीज। तो चलो यार इसको बचा दो आराम से यार, अब तो बहुत पावरफुल है। और राहुल से बदला लेना भी बचा है मेरा। और एक मिनट वो क्या है, क्या कर रहा राहुल इधर? अरे तेको क्या यार, यार सही नहीं कर रहा राहुल तू ये। अरे मैं कुछ भी करूँ यार, सही हो या गलत हो, और मैं तो उनके साथ ऐसी करने वाला हूँ, क्योंकि ये लोग ना मेरे को पैसे नहीं देते टाइम पे, तो अभी मैंने इनके पूरे एमरेल्ड अपने पास रख लिया है। अच्छा ऐसी बात है, तो तू खा मार। अच्छा ऐसा है, तो इस वाली रेड लाइन के अंदर तो ये ले आ गया मैं। ये राक्षस कैसे आया? ये राक्षस को तो कुत्ते की मौत मारूंगा, और राक्षस एक बार में मर गया। हाँ बेटा क्या बोल रहा था तू? अरे मैं अभी देखो मारूंगा। अरे वो तो कुछ नहीं था, ये मेरा शॉर्ट टेक। ऐसे कैसे मार लेगा तू मुझे, ये ले तू भी मार खा। और ये ले निपटा दिया मैंने राहुल तुझे, और फाइनली राहुल को मार दिया और बदला भी पूरा हो गया मेरा। और एक काम करता हूं विलेजर को बचाता हूं आज मैं, बहुत अच्छे काम कर रहा हूं। एक काम करता हूं शल्कर बॉक्स में क्या है देखते हैं। और ये रहे उनके शल्कर। और ये लो बेटा मैं देखूंगा भी नहीं तुम्हारा है ये। अरे अरे डैश भाई आप तो बहुत ज्यादा महान हो, सपने सलोना अति अलौकिक, चंद्र सौ बदन तुम्हारा प्रिय है। अरे ज्यादा तारीफ मत कर मेरी यार। ये ले डैश भाई तुम्हारे लिए एक छोटा सा गिफ्ट है हमारे लिए, तुमने हमारे को बचा लिया राहुल के बच्चे से। भाई इतने सारे डायमंड्स, बाप रे इनका शल्कर बॉक्स फुल डायमंड से भरा हुआ था। यार एक काम करे डायमंड तू रख ले और मुझे कुछ अच्छा दे दे, डायमंड का क्या करूंगा मैं, सब कुछ है मेरे पास। अरे डैश भाई तुमने हम सब विलेजर्स को बचाया है, तो तुम्हारे को मैं अपना अम्यूजमेंट पार्क गिफ्ट करता हूँ। अरे बाप रे अम्यूजमेंट पार्क, राहुल को मारने पे अम्यूजमेंट पार्क मिल गया मुझे, भाई बड़ा ही तंग करके रखा था उसने विलेजर्स को। और क्या पार्क है खतरनाक सा, बाप रे मजा आ गया। और कुछ ज्यादा अमीर नहीं बन गया मैं यार, मुझे बिलीव नहीं हो रहा, मैं तो खुद रहा हूँ ऐसे।